जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग आपके लिए बड़ी ही अच्छी वीडियो लेके आए हैं। अल्फ़ला ग्लास टेक्निकल चैनल की तरफ से हम लोग ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था जो डोर है एलुमिनियम का डोर, उसके अंदर जो ग्लास होता है उसके साइज़ कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है। उसका जो सेंटर डिवाइडर था वो भी D46 का था, और उसके जो बॉटम का डिवाइडर था वो भी D46 का था, लेकिन ये डोर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो सेंटर डिवाइडर है ये D52 का है, ठीक है, और जो चुगाट है ये D45A की है। ये सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, उससे पहले मुझे याद आया आपने मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखना है, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, सदका जारिया समझ के किया करें, ठीक है। इसका अजर अल्लाह ताला आपको देगा, ठीक है, और आपको भी देगा और मुझे भी देगा। और जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब लाजमी करें, जो बेल का बटन है ऑल पे उसको पुश करें, जो कि सबसे ऊपर वाला बेल का जो बटन है उस पे आपने पुश करना है, उसको क्लिक करना है, तो फिर हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँचता रहेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ इसमें हम लोगों ने चैनल कौन सा लगाया है। सबसे पहले जो चुगाट है वो D45A की है, ठीक है, और जो डोर का सेक्शन है तीन साइडों का वो D50 का है, ठीक है, और जो सेंटर डिवाइडर है वो D52 का है, और जो बॉटम डिवाइडर है वो D46 का है, ठीक है। और अब हम लोग आपको बताएंगे इसमें से आपने ग्लास कैसे कैसे लूजिंग देना है, ठीक है। सबसे पहले ये मेरे पास साइज़ आ रहा था, विड्थ आ रही थी 3 फुट 36 इंच और हाइट आ रही थी 84 इंच, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों ने ग्लास का साइज़ कैसे निकालना है टेम्पर करवाने के लिए, ठीक है। अभी डोर बना भी नहीं है, तो उससे पहले हम लोग ग्लास का साइज़ निकाल लें और फैक्ट्री में भिजवा दें। जब तक डोर हमारा तैयार होगा एलुमिनियम का, तब तक हमारा ग्लास भी टेम्पर होकर साइड पर आ जाएगा, ठीक है। अब बताता हूँ, ये देखें, ये 3 फुट आ रहा है 36 इंच की टोटल वेट है कंक्रीट से, कंक्रीट, और ये 84 इंच की हाइट है टॉप से बॉटम तक, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने करना क्या है, 36 इंच है तो इसको हमने 6 इंच 2 सूतर ग्लास को माइनस करना है, यानी कि ग्लास को छोटा करना है। 36 में से 6 इंच 2 सूतर आपने कम करना है, पीछे ग्लास आएगा 29 इंच 6 सूतर का, ठीक है। और ऐसे जो हाइट है, हाइट हमारे पास 84 आ रही है, तो इसमें से जो टेक्निकल चीज़ है जो सीखने वाली सिखाने वाली, आपने हाइट में से टोटल इसको माइनस कितना करना है, जो छोटा करना है ग्लास, आपने जो हाइट में से छोटा करना है 8.5 इंच करना है, ठीक है। 84 में से 8.5 इंच माइनस करना है, ग्लास को छोटा करना है, पीछे हमारे पास साइज़ बचेगा 75.5 इंच, और 38 2 सूतर का आपने ऊपर वाला ग्लास का जब कटिंग करेंगे 75 में से जब 38 2 सूतर का ग्लास कटिंग करेंगे तो पीछे बचेगा 37 इंच 2 सूतर। इसमें आपका डोर का साइज़ कुछ भी हो सकता है, 4.8 का भी हो सकता है, 4.9 का भी हो सकता है, 4.5 का भी हो सकता है, 3.6 का भी हो सकता है, 2.5 का भी हो सकता है, 2.5 का भी हो सकता है, कोई भी साइज़ हो, लेकिन आपने जो माइनस करना है इसी तरीके से करना है, ठीक है। ये देखें, ये जो चुगाट है बाहर वाली, ये D45A की है, ये मैंने एरो भी दे दिया। जो ग्लास का सेक्शन है जहाँ पे डोर है, डोर की जो ये सारा सेक्शन है ये D50 का, ठीक है, और ये मैंने ग्लास का आपको ये बना के दे दिया, ठीक है। ये हमारा 38 2 का ग्लास आएगा, जो डिवाइडर है वो D52 का, ये भी मैंने एरो दे दिया, और जो नीचे वाला बॉटम है वो D46 आएगा, ठीक है। बड़ा बेहतरीन इंटरनेशनल क्वालिटी का, ये मैं आपको साइज़ लेने के तरीके बताता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी जो वीडियो इसको लाइक कम से कम लाइक कर दिया करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री कॉस्ट है, आपको किसी भी किस्म का कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। बस इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, मेरा फ़ायदा ये होगा मुझे हौसला अफजाई मिलती है, ठीक है, तो मैं आगे और वीडियो के ऊपर और जो हमारे टेक्निकल साइजेज हैं मैं उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ, सिर्फ आपके जो सब्सक्राइब है, जो बेल का बटन है उसको पुश करने की वजह से, ठीक है, वो मेरा हौसला अफजाई होता है। ये एलुमिनियम डोर ग्लास टेम्पर है, ठीक है, ग्लास का साइज़ लेने का तरीका। और नीचे से ये जो देखें, ये चुगाड़ नीचे से सीधी होती है, 1/2 इंच हमारा डोर ऊपर है, और बड़ा ये बेहतरीन तरीका, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, ठीक है। जो पहली वीडियो थी उसमें जो डिवाइडर था वो D46 का था, ये दूसरी वीडियो है इसमें मैंने डिवाइडर D52 का लगा दिया है।
आगे इसमें जो जो क्वालिटी है, जो जो सेक्शन है डोर के, कितने भी है, सबके अंदर मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, प्रॉपर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ये मैं साइज़ लेने का तरीका आपको ऐसे ही हवा में नहीं बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकल हम लोग ख़ुद करते हैं, ठीक है। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामुअलैकुम।